शीशा चूर हो जाए, जरा सी ठेस लग जाए तो शीशा चूर हो जाए। सनम तू बता के नाम से मशहूर हो जाए। ये हुस्न ये पापन उस पर ये आवाज, कमी है तो बस एक निगाह करम की। हेलो अंकल दी ग्रेट, आप यहाँ है चांद, मुबारक हो, आज तुम्हारे कमरे में सूरज उतर आया है। ये ठाकुर सूरज सिंह जी हैं, जिस पर रोशनी डाल दी वो माला माल हो गया। ठाकुर साहब ये चांद है, और ये चांदनी यानी चांद की अम्मा ठाकुर साहब। मेरा नाम हीरा बाई है, तशरीफ लाइए हुजूर। यहाँ क्यों खड़ी हो, इनकी बगल में आकर बैठो, जरा हम भी तो देखे सूरज की रोशनी में चांद कैसी लगती है। बिहारी, तुम जानते हो बदतमीजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मैं यहाँ किसी काम से आया हूँ। डियर अंकल, जिस काम से आज आप आए हैं उसी काम से मैं मुद्दतों से चला आ रहा हूँ, मगर बिहारी बाबू बुजुर्गों से मजाक नहीं किया जाता। शुक्रिया शुक्रिया, इतनी जल्दी बैंग बैलेंस सूंघ लिया, इनका तारीफ नहीं हो सकती इनकी। बिहारी बाबू अब आप तशरीफ ले जाइए। आपकी बदतमीजी में भी एक अदा होती है। अच्छा कल दीदार होंगे। ठाकुर साहब नमस्ते। माफी चाहती हूँ ठाकुर साहब, फरमाइए क्या हुक्म है। इधर से गुजर रहा था, कानों में इनकी गजल की आवाज आई और दिल भर आया। ये मेरे महबूब शायर विजय कमल की गजल थी, बड़ा दर्द है उनके कलाम में। अब तो सिर्फ दर्द ही रह गया उसके नसीब में। क्या मतलब? तुम्हारा महबूब शायर 2 साल से पागल हो गया है। पागल? मैं इत्तफाक से उसका बदनसीब बाप हूं। बड़ा अफसोस हुआ ठाकुर साहब, हमारी चांद तो अक्सर उन्हीं की गजलें गाया करती है। क्या मुझे इजाजत देंगे हुजूर कि मैं अपने मनपसंद शायर को एक बार दूर से देख सकूं? मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ कि कोई उसे करीब से देख सके। जी
डॉक्टरों का ख्याल है कि विजय की जिंदगी में अगर कोई नौजवान और खूबसूरत लड़की बीबी बनकर आ जाए तो शायद वो अच्छा हो जाए। तो हमसे क्या चाहते हैं आप? अगर चांद की रोशनी थोड़े दिनों के लिए हमारे घर आ जाए तो शायद हमारे बेटे को एक नई जिंदगी मिल जाए। जी मैं समझी नहीं। मैं आपकी चांद को झूठ मूठ की बहू बनाना चाहता हूं। ठाकुर साहब, हीरा भाई, ये तो सिर्फ एक नाटक होगा, एक तजुर्बा। मुझे अफसोस है ठाकुर साहब, मेरी बच्ची ये नाटक नहीं खेलेगी। मैं तो इसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मैं इसके लिए 1000 रुपए महीना देने को तैयार हूं। ममता की कोई कीमत नहीं होती ठाकुर साहब। सचमुच औलाद का प्यार होता ही ऐसा। अच्छा ठाकुर साहब, जरा तशरीफ रखिए। माँ, तुम भी तो यही चाहती हो कि मैं इस जिंदगी से निकलकर इज्जत और शराफत की जिंदगी गुजारूं। अब अगर भगवान ने मौका दिया है, भले ही थोड़े दिनों के लिए सही, फिर तुम इससे इनकार क्यों है? चांद, तू एक पागल के साथ कैसे रह सकेगी? यहां कौन से होशमंद आते हैं? शराबी, जुआरी, चोर, उचक्के, इनसे तो बुरा नहीं होगा मेरा महबूब शायर, जिसका हर शेर सीने में एक नया दिल बना देता है। अगर मैं अपनी खिदमत से इतने बड़े शायर को एक नई जिंदगी दे सकी तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। नहीं नहीं बेटी, मैं तेरे आंसू नहीं देख सकती। शुक्रिया, शुक्रिया बेटी, भगवान तुम्हें सुखी रखे। अच्छा हीरा भाई, मैं सॉलिसिटर से कॉन्ट्रैक्ट लिखवा कर रख लूंगा और कल शाम को अपनी गाड़ी भी भिजवा दूंगा। आप चांद को लेकर मेरे मकान पर आ जाइएगा। ठाकुर साहब, बस इतना ख्याल रखिएगा, इस पेशे में रहकर भी मैंने चांद के माथे पर हल्का सा भी दाग नहीं लगने दिया। आप इत्मीनान रखिए हीरा भाई, चांद एक ठाकुर के घर जा रही है। ये लो हीरा भाई, एग्रीमेंट के मुताबिक 1000 रुपए पेश की। शुक्रिया। आओ चांद। ठाकुर साहब घर में है रंगा जी? नमस्ते ठाकुर साहब, माफ कीजिए आने में जरा देर हो। घबरा क्यों रही? ये तो अपने सतराम दास जी हैं, नारी सभा के प्रेसिडेंट और मेरी बीबी के समधी। सॉलिसिटर साहब, इनके भी दस्तखत करवा लीजिए। आओ जा। ये विजय की मां है। आओ। आओ चांद, ये मेरा बड़ा बेटा किशोर है। आओ। नमस्ते। ये किशोर की पत्नी, हमारे घर की लक्ष्मी। ये कोई खुशी का मौका है जो स्वागत कर रही हो? जाओ अंदर जाओ। पिताजी, बेहतर है कि इसका आना जाना पिछले जिले से हो। चलो चांद।
डरने की कोई बात नहीं, विजय का कमरा हमेशा बाहर से बंद रहता है। जी। आओ। ये तुम्हारा कमरा। अगर विजय किसी वक्त ज्यादा भड़क उठे, इसकी रोशनी उसकी आंखों में डाल देना, वो डर कर खामोश हो जाएगा। जी। देखो चांद, घर वालों की मर्जी के खिलाफ मैंने ये कदम उठाया है, जरा ख्याल रहे कि ऐसी कोई बात ना हो जाए कि मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। आप इत्मीनान रखिए ठाकुर साहब, मैं आपकी और इस घर की इज्जत पर कभी आंच नहीं आने दूंगी। अच्छा तुम अब आराम करो। आदि पे दो तोहफा मैं क्या पेश करता हूँ, दिल टूटा हुआ। ओ, 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 आ गया आधा बजे, आधा बजे। ओहो मिर्जा साहब, मिर्जा साहब आधा बजे अभी आ गए, अभी आ गए। मैं तो भूल ही गया था, आप तो मुशायर आए। हजरात हजरात पीछे बैठो, दिन बड़ा चले आते हैं। हजरात आज के इस मुशायरे में हमने बड़ी मुश्किल से मीर तकी मीर और मिर्जा गालिब को यहाँ बुलाया है। जी हाँ जन्नत से। अब मैं मीर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना कलाम पेश करें। आइए मीर साहब। ओह आइए आइए मीर साहब, आइए 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 मीर साहब, आइए आइए। ये लीजिए। मीर के दीनो मजहब को क्या पूछते हो, उनने तो अशिका है चादर में बैठा। अब का तर्क इस्लाम किया। सुभान अल्लाह मीर साहब, सुभान अल्लाह। ए शायरी के खुदा, तूने बिल्कुल सच कहा है। ये दुनिया मोहब्बत की है, चाहे मंदिर में गुजारो चाहे मस्जिद में गुजारो। मीर साहब किबला इस पर भी नालायक लोग नहीं समझते। झगड़ा झगड़ा, कभी मंदिर के नाम पर झगड़ा, कभी मस्जिद के नाम पर झगड़ा। अब इस मुशायरे का सदर विजय कमल अपना कलाम पेश करेंगे। इजाजत है मीर साहब। अब जिगर थाम के बैठो, मेरी बारी आई है। हमने शेर पढ़ा नहीं और गजल खिल उठी। कौन हो तुम? जी जी मैं अरे मैं कुछ भी खूब। अरे अरे भाग भी ना, अपनी दाढ़ी तो सुनती जाओ। रोशनी गुल लड़की का मिर्जा, ये लड़की तो आपका शेर मालूम होती है। वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा और उसके बाद चिराहों में रोशनी ना रही। शादी के तेरे दो तोहफा में क्या पेश करता हूँ जिया बिन दे नदी बिन वारी तैसे ही नात पुरुष बिन नारी। सीता जी बोली, जिस तरह प्राण के बिना शरीर और पानी के बिना नदी, उसी तरह हे नाथ पुरुष बिना नारी की भी वही दशा होती है। प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मो कहूं सुख दखत हूं को नाही। ¶¶
अंगड़ाए भी वो लेने न पाए उठा के हाथ। देखा मुझे तो छोड़ दिए मुस्कुरा के हाथ। क्या देख रही? शाहिद साहब, आप सचमुच पागल हैं या पागल का पाठ अदा कर रहे हैं? बताओ बताओ। कोई शेर सुनाओगी? आई और करीबा आई और अब शेर सुना। दामन यूसुफ का आया पुर्जे होकर हाथ में, उड़ गई सोने की चिड़िया रह गए पर हाथ में। तेरी शादी पे तो उसको तो पाने क्या चार। नमस्ते ठाकुर साहब। रात कैसी गुजरी? पहली बार ऐसे महसूस हुआ जैसे अंधेरे से उजाले में आ गई। मैं बहुत खुश हूं ये सुनकर कि तुम खुश हो। हाँ, और तुम्हारी शादी का जोड़ा। जी, शादी का जोड़ा? हाँ, आज रात विजय का ब्याह रचा रहे हैं। ब्याह? घबराओ नहीं, ये तो एक नाटक होगा। जी समझी। अच्छा, विजय कमल जी, सुना आपने? अरे अकल के कच्चो, तुम्हारा बाप मेरा भांजा, मैं उसका मामा। अब तुम बताओ, मैं तुम्हारा मामा हुआ के दादा? मामा? तुम मेरे तो मामा हो ना मामा जी। अरे तेरा मामा क्या हुआ, सारे शहर का मामा हो गया। तुझसे कितनी मर्तबा कहा है कि तू मुझे महेश अंकल कहा कर। मम्मी के मामा आए हैं, टॉफी चॉकलेट लाए हैं। मम्मी के मामा आए हैं, टॉफी चॉकलेट लाए हैं। बंद करो अपना ये राग, अगर कहीं विविध भारती वालों ने सुन लिया तो मैं सारे हिंदुस्तान का मामा बन जाऊंगा। मामा हिंदुस्तान का, मामा हिंदुस्तान का। ये क्या हो रहा है? देखो देखो, जाओ अंदर जाओ। नमस्ते दीदी। जीते रहो। शशि कैसी है? वो देवी तो मौन व्रत में मगन है। मौन व्रत में? दीदी, उन दोनों चमचियों ने उसे बहकाया है कि उत्तम संतान के लिए मौन व्रत रखे। उत्तम संतान के लिए? हाँ, उनका कहना है कि फिर जो बच्चा पैदा होगा या तो वो शंकराचार्य होगा या विवेकानंद। बस अब बोलना चालना तो क्या, मेरी परछाई से भी दूर भागती है। खैर दीदी, छोड़ो इन बातों को। ये बताओ, वो लड़की कैसी है जो विजय के लिए यहाँ लाई गई है? देखने में तो अच्छी है। हा? लेकिन इस घर में कदम रखने के लायक नहीं थी। दीदी एक बात तो बताओ, जब भगवान ने मोची के घर में जन्म लिया था तो क्या वो मोची बन गए थे? तुझसे तो बात करना दूभर है, पागल गई ना। महेश, ऊपर कहाँ जा रहे हो? एम्पोरियम कब खुलेगा? जाता हूँ भैया, लेकिन पहले अगर आपने शहर भांजे को शादी की मुबारकबाद तो दे दूँ। ये शादी नहीं, बर्बादी है। जाओ दुकान खोलो, जाओ ना। ृत्रु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 
भेज दीजिएगा और कल मैं खुद जाकर विजय को पागल खाने छोड़ाऊंगा और साथ साथ मुझे भी शमशान छोड़ाना। माँ, मैंने कई बार कहा है मेरे जीते जी वो पागल खाने कभी नहीं जाएगा। और फिर जो जी में आए वो करो। ऐसा लगता है कि बदनसीबी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। ऐसा ना कहिए ठाकुर साहब, पाप के दिल से निकली हुई दुआ और मां के आंख से टपके हुए आंसू कभी खाली नहीं जाएंगे। भगवान ने चाहा तो विजय बाबू जरूर ठीक हो जाएंगे। चांद, अगर इसके लिए मेरी जान भी चली गई तो मैं समझूंगी मुझे जिंदगी मिल गई। सुना आपने? माफ करना बेटी, मैंने तुझे गलत समझा। डार्लिंग, क्या नाराज हो गए? आज तुम्हारा मामा हमारा बहुत इंसल्ट किया। आई एम सॉरी डियर, दरअसल वो पिताजी का बहुत मुंह चढ़ा है, हम भी उससे जरा डरता है। ओ हनी, डोंट क्राई हनी, प्लीज हनी, प्लीज। यू मामा का बच्चा। जाओ जाओ, देखो क्या काम है। हम नहीं जाएगा, तुम लेटर बोलो, हम लिखता है। मगर जो जी, अभी हमने लेटर्स पढ़ा भी नहीं। तो अभी पढ़ो, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। डियर सर, विथ रेफरेंस टू योर लेटर डेटेड, हाँ डेटेड। मैं आई गविन सर। क्या बात है महेश? वो सब बिल बनाने हैं और ये यहाँ चली आई। देखते रहे, हम मिसेस महेंद्र एंड कंपनी को लेटर डिक्टेट कर रहे हैं। डेटेड बॉस, ये लेटर तो आप कल भेज चुके थे और अभी की डाक आपने पढ़ी ही नहीं है। पढ़ी नहीं? हाँ पढ़ी नहीं। जा बिल बनाओ। क्या बात है महेश? किशोर भैया, आज मैं जरा जल्दी घर जाना चाहता हूँ। क्यों? आज तुम्हारी मामी का मौन व्रत टूटने वाला है ना। अच्छा। हरे राम। आ मेरी स्पेन की जाफरान, तेरा चेहरा महक महक कर गवाही दे रहा है कि तू मंदिर से व्रत तोड़ कर आ रही है। मेरी फुलझड़ी, जवाब तो दे।
मैं तेरी कोयल जैसी सुरीली आवाज तो सुनूं। अरे अरे बिजली गिरी। सावधान। हरे राम राम। हुजूर श्रीमती जी अब और ना तरसाइए, ये लकीरें और ना बनाइए, मौन व्रत खत्म करके अब हनीमून व्रत शुरू कीजिए। हाँ ये क्या है, आचार्य जी का कहना है कि अमावस कल खत्म होगी, इसीलिए मौन व्रत भी कल शाम से पहले खत्म नहीं हो सकता, अब कल ही बातचीत होगी। अरे तो फिर अरे कल, अरे अरे आचार्य जी ने तो आम का आचार खाकर बड़ी शान से कह दिया, लेकिन लेकिन कल तक ये ब्रह्मचारी कहीं घबरा कर खुदकुशी ना कर ले। सौभाग्यवती बिस्तर तैयार हो गया। अरे अरे डबल रोटियों, कुछ तो भगवान से डरो। कलयुग है कलयुग। अरे याद रखना चमचियों, नरक में भगवान तुमसे पापियों के लिए बेसन की मोटी मोटी रोटियां पकवाएंगे, तुम्हारा सत्यानाश जाए। हरे राम हरे राम। अंदर से दरवाजा बंद कर लेना सौभाग्यवती। हरे राम 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 हरे राम। थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसी गहरी नींद दे दो कि ये सुंदर सपनों में खो जाए। खा लीजिए बीबी जी, भूखे सोना अच्छा नहीं। रंगा काका एक बात तो बताओ, ये सपना कौन थी? क्या बताऊं बीबी जी, ये बड़ी दुख भरी कहानी है। सपना और विजय बाबू एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। भगवान बुरा करे इस बिहारी का, जिसने दोनों जीवन बर्बाद कर दिए। बिहारी? जी हाँ बीबी जी, यही हमारा पड़ोसी। इस नालायक ने सपना के शराबी मामा को न जाने क्या क्या सब्ज बाग दिखाए कि वो सपना की शादी बिहारी से करने पर तैयार हो गया। बेचारी सपना के माँ बाप तो बचपन में ही भगवान को प्यारे हो चुके थे, वो मजबूर हो गई। फिर भी इस कमीने बिहारी का दिल ही भरा, इसने पुराने प्रेमियों को जलाकर खुद मजा लेने के लिए जानबूझकर शादी की दावत दी और विजय बाबू को खींच बुलाया। मुबारक हो सपना, जिनके तुम सपने देखा करती थी वो आ गए। तुम लोगों को मिलवाना तो फिजूल सी बात है, बुलबुल फूल को और फूल बुलबुल को खूब पहचानता है। हाय चमन के पत्ते पत्ते पर लिखी है दास्तां उनकी। विजय साहब इतनी मेहरबानी और कीजिए, दिल से निकली हुई शायरी के कुछ बूंदे बरसा दीजिए, तभी रंगीन महफिल में बहारें आ जाएंगी। इस मौके के लिए मेरे पास कोई कला नहीं है। वाह साहब वाह 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 वाह। सुना साहबान, हमारे शायरे आजम फरमा रहे हैं कि इस मौके के लिए इनके पास कोई कला नहीं है।
नहीं अजी, अपने चाहने वालों को आप कुछ भी सुना दीजिए, हम समझेंगे कि आपने हमारी शादी का तोहफा दे दिया। तेरी शादी पे दूं तुझको तोहफा मैं क्या, पेश करता हूँ दिल एक टूटा हुआ, खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी, खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी, बेवफा ही सही बेवफा ही सही, दिल रुबा है मेरी, खुश रहे। तुझको महफिल मिले ओ, जा मैं तन्हा रहूं तुझको महफिल मिले, डूबने दे मुझे तुझको साहिल मिले, आज मर्जी यही आज मर्जी यही, ना खुदा है मेरी, खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी, खुश रहे। दर्द दिल अब मेरे साथ ही जाएगा, मौत ही आखिरी, मौत ही आखिरी, बस दवा है मेरी, मौत ही आखिरी, बस दवा है मेरी, खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी, खुश रहे खुश रहे। और उस रात के बाद विजय बाबू की जिंदगी में फिर सवेरा न हुआ। आप खाना तो खा लीजिए बीबी जी, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लेंगे जाओ। Thank you.
जमी पे नाम हमारा मिटा दिया, उनका था खेल खाक में हमको मिला दिया। कौन हो तुम? इतनी जल्दी भूल गए? ए लटक मटक, बता कौन है तू, वरना गलत शेर की तरह मिटा दी जाएगी। शायर साहब, नाम लिखकर मिटा देना तो बच्चों का खेल है, लेकिन सपना की आत्मा को नहीं मिटा सकते। सपना? हाँ, तुम्हारी जिंदगी का सबसे हसीन सपना। लेकिन तुम तो मर गए थे, वापस कैसे आए? प्यार निभाने। तो फिर तो मरी क्यों? प्यार को अमर बनाने। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है। उस जन्म में जबरदस्ती, मगर मेरे महबूब शायर, मैं तुम्हें कैसे भुला सकती थी? मैंने लिया दूसरा जन्म, अब ना रूठना मेरे सनम। सपना, सपना, सपना नहीं, जान। वो नाम हमें रास नहीं आया, हमने बदल दिया है, अब मेरा नाम है जान। सुना तुमने? जान, जान, मेरी जान, मेरे ख्वाबों की मलका। ख्वाबों की मलका, कल तो शादी में हार तोड़कर भाग गए थे, बेवफा कहीं की। मेरी सपना फिर वही जान, जान, मेरे सपने का जान, सपना का जान, जान। ये क्या? छोड़ो मुझे। तेरे तो ढंग है यही, अपना बना के छोड़ दे, वो भी बड़ा है बावला तुझको जो पाके छोड़ दे। बड़े जल्दबाज हो, महबूब की अदाएं भी नहीं समझते। नहीं नहीं, तुम हमारी बीवी हो। देखो जी, ये जिद अच्छी नहीं। हाँ नहीं, तुम्हें हमारा हुक्म मानना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा, दरवाजा बंद कर लूं। जान, जान, अब जान कल सुबह ही निकलेगा। जान, जान, दरवाजा खोलो, तोड़ दूंगा दरवाजा, तोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा। अरे अरे पतिदेव, सब जाग जाएंगे, अभी आते हैं। जल्दी आना, जल्दी आना। नाश्ता?
और नहीं तो क्या? तुम कौन होते हो हम मियां बीवी के झगड़े में बोलने वाले? देखते नहीं विजय बाबू कितने परेशान हैं, सारी रात सोए नहीं। क्यों जी, आप मेरा मुंह क्या देखते हो? जाओ यहां से। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, चले आते हैं मियां बीवी के बीच में बोलने वाले। होते कौन है ये लोग? क्यों जी, मैं कोई झूठ बोल रही हूं? ठीक है, यही क्यों, इसे भी फेंक दो, इसे भी फेंक दो और इसे भी। बस बस रहने दो अपना प्यार। कितने अच्छे लगते हो इस हालत में, कर लीजिए करो। देखते क्या हो, तकिया लाओ इधर। ये कुर्सी ठीक करो, बोलान सीधा करो, कुर्सी इधर लाओ। अब बैठकर नाश्ता कीजिए, फिर बाल कटवाना है, नहाना है, कपड़े बदलना है। मारूंगी विजय कमल जी, बता देती हूँ, नाश्ता कीजिए। ब्यूटीफुल, लवली डार्लिंग, ये हमने तुम्हारे लिए स्पेशल बनवाया है। हाउ नाइस ऑफ यू, हम इसे क्रिसमस पे ही पहनेगा। लेकिन डार्लिंग, हमारे पास इसका मैचिंग ड्रेस नहीं है, हमको कुछ रुपया मांगता है। श्योर श्योर। थैंक यू डार्लिंग। विजय के लिए खाना लेने आई हो? जी। जमना जल्दी कर, आओ अंदर आओ। नहीं भाभी, चौका भ्रष्ट हो जाएगा। भ्रष्ट नहीं होगा, खेल उठेगा। कोई क्या जाने, तुम विजय की वो सेवा कर रही हो जो अच्छे से अच्छे घर की स्त्री भी नहीं कर सकती। ये तो आप ही से सीखा है भाभी। अगली कहेंगी लक्ष्मी, खाना मिलेगा या भूखा ही जाना पड़ेगा एम्पोरियम? ला रही हूं। जमना लाली पप्पू ठहरो, ये क्या हरकत है? छुप छुप कर चोरों की तरह देखना, बुलाऊं तो भाग जाना। क्यों आए थे यहाँ? आपको देख ले क्यों आंटी? आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आप हीरोइन बनकर स्क्रीन पर आ जाएं, तो देखने वाले पागल हो जाएं। अच्छा, तो मेरी फिल्म इतनी दूर से क्यों देख रही हो? गरीबा? ना ना, फिल्म दूर से ही अच्छी लगती है। क्यों, मना किया है? ऐसा ही समझ लीजिए। राधा आंटी जल्दी चलो, नहीं तो डैडी मारेंगे। लाली पप्पू, यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। और खबरदार, तो फिर तुम लोगों को यहाँ देखा मैंने। राधा, शर्म नहीं आती यहाँ आते हुए? जाओ, कल को तुम्हारी शादी ठहरेगी तो क्या कहेंगे लोग? वो तो बच्चे, मगर तुम क्यों नहीं समझते कि तुम्हारी सोबत का उन पर क्या असर पड़ेगा? किशोर बाबू, आप घड़ी घड़ी मुझे जलील क्यों करते हैं?
अगर ऐसी ही बात थी तो मुझे क्यों लाया? कौन लाया? ये तो पिताजी का पागलपन था। ये उनका पागलपन नहीं, उनकी मोहब्बत है जो आपके दिल में अपने भाई के लिए नहीं है। आज उनकी मोहब्बत क्या रंग ला रही है अपनी आंखों से देखिए। विजय बाबू, आपके किशोर भैया आपकी तबीयत पूछने आए हैं, आइए। विजय बाबू, इन्हें प्रणाम कीजिए ना। चल, ये लो खीर, विजय को बहुत पसंद है। खीर? देख क्या रही हो, भाभी के पहुंचो। भाभी, इसमें किसमें डाली है ना? फिकर मत कर, ढेर सारी डाली है। चलो खीर खाते हैं, चलो। खीर खाते हैं, चलो। हरिओम 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 हरिओम। प्रणाम महाराज, प्रणाम प्रणाम। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। भगतनी, तेरी तपस्या सफल हुई, अब तू अपना मौन व्रत तोड़ सकती है, बोल सकती है। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। परंतु महाराज, मेरे मौन व्रत का आपको कैसे मालूम हुआ? अरे यह तो सब गुरुदेव की कृपा है, जो त्रिकाल ज्ञानी है, जिन्होंने तेरे लिए विशेष आदेश भेजा है। क्या आदेश है महाराज? तो सुन और ग्रह में बांध ले। उत्तम संतान के लिए अब न तुझे किसी तपस्या की जरूरत है, न पूजा पाठ की, और न ही किसी चेले चमचियों की। हरिओम हरिओम। बस केवल जरूरत है तो अपने स्वामीनाथ की। हरिओम हरिओम। जो आ गया महाराज। तो जा अपने स्वामी के स्वागत की तैयारी कर। हरिओम। हाँ हरिओम, तुझे सूर्य जैसा बालक होगा। परंतु महाराज, बिना पूजा पाठ के, बिना तपस्या के? तुम चुप रहो, जहाँ हमारे गुरु के आदेश का निरादर हो, हम वहाँ एक पल नहीं टिकते। हरिओम हरिओम। क्षमा कीजिए महाराज, नाराज ना होइए, कुछ भोजन तो करके जाइए। हरिओम हरिओम हरिओम। समय नहीं है, हमारी मंडली हमारा इंतजार कर रही है। फिर पधारिएगा महाराज। अवश्य अवश्य। हरिओम है। हाँ हरिओम 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 हरिओम। धन्य हो गुरुदेव, मैं तो गिरधर के संग नाचूंगी, मैं तो गिरधर के संग नाचूंगी नाचूंगी नाचूंगी। अरे क्या बात है, आज हुस्न को बड़ा नापतोला जा रहा है। आज मेरा मौन व्रत खत्म हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, एक महापुरुष हमारे कुल गुरु का आदेश लेकर आए थे कि अब मुझे सिर्फ अपने स्वामी की जरूरत है। अरे वाह महापुरुष, क्या आइडिया है महापुरुष। थैंक यू महापुरुष, क्या बात है, जवाब नहीं तुम्हारा। शशि, मेरी मलाई की बर्फी, मेरी चुलबुली चमेली आई। अब तो इस घर में अंधेरा ही अंधेरा है। मामा, अरे कहाँ है मामा? अरे देखती क्या हो, बुलाओ ना उसे। एक तो भाड़े का टट्टू बनाया और ऊपर से 10 रुपए का चूरन वाला नोट हाथ में थमा दिया। हमें ही झांसा देना था। सावधान, सौभाग्यवती बड़ा भारी धोखा हुआ है, ये किसी गुरु का आदेश नहीं था, इन्होंने नकली स्वामी बनकर तुम्हारा व्रत तोड़वा दिया। क्या बकते हो, कौन कहता है? जाकर पूछो अपने चेले चमचों से। चमचे? कौन चले, कौन चमचे? कौन किधर, क्या है क्या है? हरिओम हरिओम हरिओम। कौन हो, कौन हो तुम लोग? वाह स्वामी जी, अपने चेलों को भी नहीं पहचानते? इस चूरन वाले नोट को तो पहचानते होगे। अच्छा, तो तुम लोग नकली नोट छापते हो। चलो पुलिस से। अरे हमें क्या, हम पुलिस से शिकायत करोगे? हम तो हमारा हाय राम, अब मैं क्या करूं? प्रायश्चित के लिए 6 महीना तपस्या करो तो ये पाप धुल सकता है। करूंगी, जरूर करूंगी। यहाँ रहकर क्या कर सकोगी?
तुम्हारा पति राज तो अपनी शशि बाला के लिए हर वक्त घोड़ा लिए तैयार खड़ा रहता है। हाँ एक उपाय है, अपने मायके चलो। अच्छा ऐसा ही करूंगी। क्यों आंटी, आंटी अच्छी है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, क्या डबल डबल अच्छी है। क्यों आंटी? बस बस चापलूसी रहने दो, बताओ काम क्या है। कुछ नहीं आंटी, वो पतंग। हाँ आंटी ला दो ना। पतंग तो मैं ला दूंगी, किराया क्या मिलेगा? जो तुम कहो। एक एक प्यार। बहुत अच्छा आंटी, मजा आया आंटी। क्या बात है। बस मेरे साथ बंबई चलो, सच कहता हूँ इस मुखड़े के सामने सब हीरोइनों के चराग गुल हो जाएंगे। क्या सचमुच मैं हीरोइन बन सकती हूँ? अरे टॉप की राधा। अच्छा तो आप हैं ठाकुर साहब के किराए की बहू। बिहारी, शर्म नहीं आती राधा जैसी भोली भाली लड़की को बहकाते हुए? भोली तो तुम भी बहुत हो चांद, तुम कौन सा हमारे बहकावे में आ गई? आखिर तो चाहता क्या है? आज भी तुमको चाहता हूँ, शराफत से बंबई भाग चलो, टॉप की हीरोइन बना दूंगा। तेरा ये ख्वाब कभी पूरा होने वाला नहीं। और जो ख्वाब तुम देख रही हो वो भी पूरा होने वाला नहीं। जिस दिन विजय ठीक हो जाएगा याद रखना चांद के मुंह पर थूक देंगे ये लोग। तू इसकी फिक्र न कर, मैं ये समझ लूंगी किसी अच्छे काम का बदला मिल गया। लेकिन अगर तू इसी तरह मासूम जिंदगियों के साथ खेलता रहा तो लोग तेरे मुंह पर थूकेंगे भी नहीं। चलो लल्ली शुरू करो, पहले तुम। मजा आया? क्या बात है लल्ली। अबू भागो यहाँ से, अब कभी यहाँ आता देखा तो पाँव तोड़ दूंगा। जाओ जाओ। आपने बच्चों की पतंग क्यों फाड़ दी? इसलिए कि लूटा हुआ माल शरीफ खाने नहीं खाया था। किशोर क्या कहा भैया, हमारी दी हुई इज्जत का नाजायज फायदा उठा दिए, तेरी औकात क्या है? कल क्या होगा भगवान जानता है, लेकिन आज मेरी वही औकात है जो इस घर में लक्ष्मी भाभी की है। मधुर की तेरी औकात कटी हुई पतंग किसी है, जिसे कोई भी लुटा सकता है कोई भी उड़ा सकता है। ये मधुर की तेरी औकात कटी हुई पतंग किसी है। जिस दिन विजय ठीक हो जाएगा याद रखना चांद के मुंह पर थूक देंगे ये लोग। दूर हूँ लेकिन तुम्हारा रास
सकता मैं रोक लूं, मजबूर हूं लेकिन कि मैं चल भी नहीं सकता हूं, और तुम दौड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते मगर अफसोस थोड़ा है कि जिस गम ने मेरा दामन बड़ी मुश्किल से छोड़ा है, उसी गम से मेरा फिर आज रिश्ता जोड़ जाते हो। जमाने भर की बातों का ठहर जाओ, सुनो मेहमान हूँ मैं चंद रातों का, चले जाना अभी से किस लिए मुँह मोड़ जाते दिल तोड़ जाते हो। जाइए
जा। निकल जा मेरे कमरे से, जानवर, जा, चले जा यहाँ से। मैं जानवर, मैं जानवर, गजब हो गया मार्किल, विजय बाबू ने अपने आप को खुलम खून कर लिया। कैसे, क्या हुआ है मेरे बच्चे को? आप जल्दी से डॉक्टर को फोन कीजिए। विजय बाबू, तू पापी है, तू जानवर है, मार दो विजय। बड़ी नाजुक हालत है, 24 घंटे निगरानी करना पड़ेगी। इस दौरे के बाद यहाँ तो किसी के बस का रहा नहीं। आज अपने आप को मार डालने पे आमादा हो गया, कल किसी और को मार सकता है, क्यों डॉक्टर साहब? जी हाँ ठाकुर साहब, मेरा यही ख्याल है, विजय को पाल खाने भेज दिया जाए। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को पाल खाने भेजिए। इस हालत में और क्या किया जा सकता है? तो मैं पागल खाने टेलीफोन करके एम्बुलेंस बुलाता हूँ। किशोर, किशोर, अब तो तुम्हारा दिल ठंडा हो गया, भेज दो मेरे लाल को, सब मिलके मेरे लाल को भेज दो पागल खाने, भेज दो, हम कितने ठंडे हो जाएंगे, सब क्या बात पूरे हो जाएंगे। जान, मेरी जान, तू क्यों खामोश रहती? वो तेरे विजय को ले जा रहे, तेरे शहर को पागल खाने ले जा रहे, तुम्हारा क्यों हो गया? तू बोलते क्यों नहीं? बोलते क्यों नहीं? शांत हो जा, धीरे सर। तू क्यों बोलने लगी? तेरा कौन लगता है? सब मेरे बेटे के दुश्मन हैं। न वो किसी का भाई है, न किसी का बेटा है, उसका दुनिया में है ही कौन? सब बेगाने हैं, अपना कोई नहीं, भगवान उसका अपना कोई नहीं, कोई नहीं। विजय बाबू पागल खाने नहीं जाएंगे। क्या? तुम जानती हो इसकी वहशत किस हद तक बढ़ गई है? किसी को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? किसी को कुछ नहीं होगा किशोर बाबू, मैं इसका जिम्मा लेती हूँ, मैं दिन रात इनकी निगरानी करूंगी। बस बस, जो कुछ किया बहुत हुआ, अब बांधो बोरिया बिस्तर, नहीं तो तुम भी मरोगी। आप मेरी जान की परवाह ना कीजिए, मैं जिंदगी के उस मोड़ से गुजर चुकी हूँ जहां कोई खतरा होता है, कोई डर होता है। विजय बाबू आप अंदर जाइए। तुम लोग जा सकते। चांद, मेरी बेटी, Thank you.
विजय बाबू चलिए बिस्तर पर लेट जाइए। चोली खेलते रहोगे क्या? मैं इस काबिल भी नहीं रही कि तुम मेरी तरफ आंख उठाकर देखो। नहीं, ऐसा मत करो। ये मेरे पाप की सजा, मैं तुमसे नजर नहीं मिला सकता। मैं पापी हूं, मैं जानवर हूं। नहीं, तुमने कोई पाप नहीं किया। तो तुम बोल रही हो? हाँ हाँ, मैं कह रही हूँ तुमने कोई पाप नहीं किया। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, क्या इनमें तुम्हें कोई शिकायत नजर आ रही है? मेरी तरफ देखो। देखता हूं, तुमसे प्यार करता हूं तो मुझे मार डालो। घबरा नहीं, अगर ऐसी बात है तो मुझे मत देखना। ना देखो, तुम्हें ना देखो तो फिर जीऊंगा कैसे? फिर जी ये क्या कर रहे हैं? ये सब कसूर इन आंखों का है, इनको सजा दे रहा हूं। ये क्या? मन की आंखों से वो जलवा देख रहा हूं जो ये पापी आंखें कभी नहीं देख सकते। ये भी भगवान की एक अदा, उन बेगुनाहों को सजा दे रहे हैं जिनका कोई कसूर नहीं है। घंटों से इंतजार कर रहा हूँ कि राधा रानी अब आएंगी, अब दीदार होगा। तस्वीरें लाई हो? हाँ ले आई। वाह 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 वाह, क्या तस्वीरें! अरे देखते ही न जाने कितनी नई फिल्म कंपनियां खुल जाएंगी। सच? मैं हीरोइन बन जाऊंगी ना? अरे टॉप के रुपए लाई हो खर्चे पानी के लिए? लो। बस हर काम चला लूंगा और जरूरत पड़ी तो मांग लूंगा। अच्छा, फोटो जल्दी भेज देना। दुनिया बूढ़ी हो जाए मगर इस रुपए की कौम पर कभी सवाल नहीं आया। अरे मोहन ने चिट्ठी निकाल कुछ खबर तो कर दी होती। माँ, मैंने सोचा अचानक पहुंचूंगा तो आप लोगों को ज्यादा खुशी होगी। चश्मे बद्दू, अरे आप तो बिल्कुल 9 साल पहले की लक्ष्मी भाभी लग रही हैं। आया और लगा बातें बनाने, शरीर कहीं का।
नमस्ते भैया। अरे वाह वाह वाह, क्या हेयर स्टाइल बना रखा है। डरता हूँ कहीं फिल्में देख देख कर एक दिन तुम फिल्म स्टार ना बन जाओ। देखो ना माँ। मोहन। हेलो डैड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सच मुझे आपने चांद को घर में लाकर जमाने में एक नई मिसाल कायम कर दी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। माँ तुम्हें भी फक्र करना चाहिए। कितने ग्रेट हस्बैंड है तुम्हारे। मोहन, 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 मोहन। नमस्ते भैया। कब आया? ओ चांद, चांद। चांद, मोहन, ये चांद है। चांद ये मोहन है, मेरा छोटा भाई। बहुत बढ़ता है, बहुत बढ़ता है। नमस्ते। नमस्ते। फिर वही हरकत, चलो ठीक से पहनो। कैसी लगी? भैया ये तो बिल्कुल आपकी कविता मालूम होती है। कविता, गजल, सपना। विजय बाबू होश में आइए, चलिए जाइए अंदर, जाइए। देखा, रूठ गई। जाता हूं, जाता हूं। आपने विजय भैया को बिल्कुल बदल दिया। जी जी, मैं सच कह रहा हूं। अबे ओ इंजीनियर के दम, कब आया? अबे बिहारी, अबे इधर आ। दिवाली मनाने आया? और क्या, मिश्रा जी की दिवाली की पार्टी भूल सकता हूँ? और जानता है, इस बार की पार्टी दरिया में बजे पे होगी। अच्छा, फिर तो मजा आ जाएगा। क्या कहना है। आप भी जरूर आइएगा, हमारी महफिल में चार चांद लग जाएंगे। लूटने वाले याद रखें, हम दुनिया से चले जाएंगे। माफ कीजिएगा मोहन बाबू, कहीं आपके भैया ज्यादा न रूठ जाए। और फिर दहशत हम अपनी बादे फना छोड़ जाएंगे, फिर वो फिरेंगे चादरे बाकिए हुए। नमस्ते किशोर भैया। भैया पिताजी की नजर का भी कोई जवाब नहीं। बेल्जियम कट का तराशा हुआ हीरा चांद के रूप में लाकर रख दिया घर में। देखो मोहन, चांद को ज्यादा सर चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन भैया चांद तो खुद सबके सर पे रहता है। बको मत, तुम जानते हो वो कहां से आई है और उसके ऊपर कितने रुपए खर्च हो रहे हैं। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, लो आ गया वो भूत। तुम ठहरो। कौन है ये? बेल्जियम कट का मुंह बोला भाई, यहां क्यों आया है? अभी अपनी आंखों से देख लेना। ये लो 1000 रुपए। तुम्हें कई बार कहा है इस हालत में यहां ना आया करो। अब ख्याल रखूंगा ठाकुर साहब। वो दरअसल चांद की माँ बहुत बीमार है, इस घबराहट में आ गए। हो सके तो चांद को भेज दीजिएगा। अच्छा अच्छा, और बहुत याद करती है वो। हाँ भेज दो, भेज दो। आराम से, आराम से। देखा, हर महीने इसी तरह 1000 रुपए जाते हैं। भैया जब बाजार जाते हो और अपने आराम की चीजें खरीदते हो तो उसके पैसे देने पड़ते हैं या मूर्ति ले आते हो? मोहन जल्दी से हाथ मुंह धो ले और अपने भैया के साथ खाना खा ले। भाभी शेरों के मुंह तो धुले धुलाए हैं। खाना लो जल्दी, बहुत भूख लगी है। अच्छा, अच्छा। ओ भैया, मगर यार समझ में नहीं आता कि इस तार के बाद रोजी किशोर को छोड़कर तू इसे कैसे महबूत करने लगेगी। कानून की जुबान में अबे वकालत के दुश्मन, अगर इतना ही तेरी समझ में आ जाता तो तेरा ये धंधा मंदा क्यों होता। बेटे पैसे की जबान बड़ी लंबी होती है। जब रोजी को ये पता चलेगा कि मेरी आंटी मेरे नाम पर 5 लाख रुपया छोड़कर मरी है, तब देखना कैसा पलटा खाती है जिमनास्टिक की जबान में।
Your auntie expired. Leaving 5 lakhs in your name. Contact Janki Das, MALLB advocate. 5 lakhs? Mahesh, poor Mahesh. Sorry, बहुत बुरा खबर है. क्या? तुम्हारा आंटी मर गया. अच्छा अच्छा. क्या? हमारा आंटी मर गया? अरे अरे आंटी. महेश, dear महेश. Don't cry. अरे, dear आंटी, आंटी dear. Don't cry. देखो, गॉड का मामला में कोई कुछ नहीं बोल सकता. अरे रोजी, अभी आंटी के मरने के दिन नहीं थे. क्या है इस ढांचे का? Only one, 101, 101. 101? ये भी कोई मरने का एज है. Yes, darling, very young. बहुत जवान. तुम्हारे पास चॉकलेट है? मुझे दो. I'm sorry. हम जो रोता है तो चॉकलेट बहुत खाता है. तुम्हारे पास और चॉकलेट है? No, I'm sorry. रो मत. दूसरा खबर सुनो, बहुत अच्छा है. क्या है? तुम्हारा आंटी तुम्हारा नाम 5 लाख रुपया रख गया. I'm sorry. No, darling, रख सकता है. सच्ची? अरे गॉड, हमको इतना बहुत सा रुपया किसके लिए दिया? हमारा बीवी हमको प्यार ही नहीं करता. लेकिन डार्लिंग, गॉड बिना कॉस्ट के पैसा नहीं देता. तुम ऐसा करो, अपना वाइफ को डाइवोर्स दे दो, तलाक कर दो. तलाक? अरे गुड आइडिया. लेकिन हम रंडवा हो जाएगा, अकेला मर जाएगा. नो डार्लिंग, गॉड ने हमको ड्रीम में बोला महेश से अच्छा बॉयफ्रेंड तुमको नहीं मिल सकता. लेकिन तुम तो किशोर को प्यार करता है. नो डार्लिंग, हम तुमसे बोल न सका. तुम्हारा फेस पे बिल्कुल कस्टर्ड पुडिंग जैसा है. सच? यस. तब तो हम अभी वकील के पास जाएगा और अपनी बीवी को तलाक का नोटिस देगा. अभी नहीं डार्लिंग, हम भी तुम्हारा साथ चलेगा और साथ में अंकल जॉनसन को भी ले जाएगा. वो लीगल पॉइंट बहुत अच्छा जानता है. अच्छा 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 डार्लिंग, 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 डार्लिंग. नहीं नहीं, ये बिल्कुल झूठ है. ये कभी नहीं हो सकता. देखो हीरा भाई, मेरे नारी सभा के प्रेसिडेंट होने का तुम फायदा नहीं उठा सकते. मैं तुम्हारी हर मदद करने को तैयार हूं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं कि जान मेरी बेटी है. याद कीजिए, आज से कोई 20 साल पहले मेरठ के आगे एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था. मैं दिल्ली के एक मुजरे से लौट रही थी. उसी डिब्बे में आप, आपकी बीवी और आपकी 2 छोटी-छोटी बच्चियां सफर कर रहे थे. एक्सीडेंट में आप कितने जख्मी हो गए थे. आपकी बेहोश बीवी और बड़ी लड़की खून में लथपथ एक तरफ पड़ी थी, छोटी लड़की दूर जा पड़ी थी. मैं पहले इसे उसे देख देख कर ये सोच रही थी, काश मेरी भी एक ऐसी लड़की होती. मौके का फायदा उठाकर मैं बच्ची को ले भागी. अब तो यकीन आ गया आपको, चांद आप ही की बेटी है सतराम दास जी. नहीं नहीं हीरा भाई, मैं सब कुछ मान सकता हूँ, लेकिन ये कभी नहीं मान सकता कि चांद मेरी बेटी. मेरी बेटी उस हादसे में मर गई थी. नहीं नहीं, वो जिंदा है. अगर बफर्ज़ मोहन वो जिंदा भी है तो इस माहौल में अगर वो मेरे लिए मर चुकी. सतराम दास जी, उस मासूम को इस तरह न ठुकराइए. उस बेचारी को तो ये भी नहीं मालूम कि उसके माँ बाप कौन है,
उसे अपना लीजिए। नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। सतरामदास जी, उसे अपना लीजिए। सतरामदास जी, उसे अपना लीजिए। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुझे अपनों से अलग कर दिया। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं, ऐसे न कहो, ऐसे न कहो। तुमसे बढ़कर कौन अपना हो सकता है, जिसमें माँ की ममता और बाप का प्यार दोनों सुरते देख ली। मेरी बच्ची, मैं अब शांति से मर सकूंगी। माँ, माँ, मुझे छोड़ के ना जाओ माँ, मुझे छोड़ के ना जाओ। आखिर दुकान से जो पैसा आता है वो कहाँ जाता है, जो घर से लेना चाहते हो? क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं? तो देख लीजिए ये हिसाब किताब। अब मुझे परेशान ना करो, बाद में देखूंगा। देख लिया? पिताजी समझते हैं कि मैं रुपया कारोबार में नहीं लगा रहा हूँ, अपने आप ही उड़ा रहा हूँ। और ये नहीं देखते कि विजय पर कितना रुपया बेकार जाया हो रहा है। किशोर भैया, इसमें हमारे भाई की जिंदगी का सवाल है और आप इसे बेकार कहते हैं। बेकार नहीं तो और क्या, उसके इलाज के लिए और कोई तरीका नहीं था सिवाय बाजारी लड़की के, जिस पर हजारों लुटाए जा रहे हैं। किशोर बाबू, आप और ज्यादा लुटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लीजिए अपना एग्रीमेंट। देख लेना मोहन, मां बेटे की इसमें भी कोई चाल होगी। भगवान के लिए मेरी माँ को कुछ न कही, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वकील साहब, वकील साहब। यस योर ऑनर, अंडर सेक्शन 445। वकील साहब, देखिए गवाह भी आ गए हैं, मिस्टर जॉनसन और मिस रोजी। प्लीज साइन। हाँ तो वकील साहब, वो ये 5 लाख मिलने में कितने दिन और लग जाएंगे? 2 हफ्ते। लेकिन ख्याल रहे, 5 लाख मिलने से पहले मेरा बीवी से तलाक हो जाना चाहिए। ओह यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी सोना आने कानून की जुबान में। जी हाउ स्वीट ऑफ यू। हाँ, वो कोर्ट फीस और स्टैंप ड्यूटी के लिए जो मैंने 10,000 रुपए कहे थे वो लाए है ना? हाँ, क्यों अंकल जॉनसन, लाए हो ना? अंकल प्लीज हेल्प हिम। श्योर श्योर, कैश नहीं है, चेक चलेगा? जी चलेगा, क्या दौड़ेगा। दौड़ के कैश कराता हूँ और दौड़ के अभी आता हूँ। श्रीमान वकील साहब, आपके धंधे का टाइम है, लाइए मैं कैश करवा लाता हूँ। आइए आइए। दिवाली मुबारक हो। समझे आपको भी। प्रणाम जी। हो बेटी, महेश नहीं आया? जी। आज दिवाली के दिन भी आपने दामाद को नहीं बुलाया? जी बुलाया तो था, लेकिन दीदी लक्ष्मी भाभी को मैं प्रसाद दे आऊं? आखिर ये कब तक चलेगा? वो वहाँ घर संभाल रहा है, ये यहाँ मैके बैठ के तपस्या कर रही है। अब आप ही से कुछ समझाइए। समझाऊंगी, लेकिन बात क्या है, आपने यहाँ आजकल आना जाना बिल्कुल ही छोड़ दिया। जी कुछ नहीं, बात दरअसल ये है कि जी बात क्या होगी, तुम्हारे सब्जी साहब गैरों में इतने मशगूल हो गए हैं कि आप लोगों को भूल गए हैं। जी ये बात नहीं है। अच्छा अच्छा, चलिए अंदर चलिए। दिए हर बरस चलते हैं, घर रोशन हो जाता है, लेकिन मेरे मन का अंधेरा न जाने कब दूर होगा। कितना शुभ दिन होगा जब मेरा विजय भी हमारे साथ बैठ के दिवाली मनाएगा। माँ देखो।
विजय आ रहा है। विजय आओ बेटा, आई दिवाली, आई दिवाली, लड्डू खाओ बर्बर थाली, नाचो कूदो जैकेट थाली। माँ रो रही है। माँ नहीं बेटा, माँ रो रही है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ ऊपर जाओ। क्या माँ खुश है? तू माँ तू खुश है? माँ पिताजी भाभी माँ माँ खुश है, माँ खुश है, माँ खुश है। माँ बेटा देवी की पूजा करें। हाँ देवी, हाँ पूजा। मामा मैं अगरबत्ती जलाई हूँ। हाँ ये अगरबत्ती जलाते। अच्छा अब मिठाई काट दे, हम फिर मिठाई काट दे। ये लो, ये लो डूडू। अच्छा भाभी तुम लो, अब पिताजी आप लीजिए, आप लीजिए। अच्छा अब मैं मामा जी को नहीं रहे? क्या करूं मैं? क्या देख रहे मोहन बाबू? उस जादूगर को जिसका करिश्मा मैं अभी नीचे देखकर आ रहा हूँ। सचमुच आपने एक पागल को बिल्कुल अच्छा भला बना दिया। लेकिन कहा तो ये जाता है कि हम अच्छे भलों को पागल बना देते हैं। और भी तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे जरूर कुछ। आप अपने जो ठहरे। शुक्रिया। किस बात का? आपने मुझे अपना जो समझा। अरे अरे बिहारी आओ आओ। चकोर तो यहाँ चांद के चक्कर काट रहा है, उधर पार्टी में देर हो रही है। चल चल मोहन, पूजा में देर हो रही है। हे मामा, पूजा जिसको करनी वो करे, ये कोई हमारा काम थोड़ी है। मामा आओ मेरे साथ, तुम्हें भी जन्नत की सैर करा दे। जिंदगी क्या चीज है आंखों से दिखा दे मामा। जन्नत? हाँ मामा जन्नत। जन्नत? मैंने जन्नत कभी नहीं देखी। चलो मामा जन्नत देखेंगे। लेकिन नीचे से बैठे हुए हैं। अरे नीचे से कौन जाएगा भाई, मैं पीछे के दरवाजे ले चलता हूँ तुम लोग को। चलो पीछे के। चलो मामा देर मत करो, चलो जल्दी। गले मिलने के लिए यूं बहाने नहीं किया करते, यूं ही मिल लेते दिवाली। छोड़ो। नहीं नहीं छोड़ो। नहीं दिवाली, दिवाली नहीं। हाँ हाँ दिवाली है, मगर मुझे छोड़ो तो। नहीं 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 नहीं, नहीं। विजय बाबू दिवाली गले मिलना, गले मिलना। मेरी बात तो सुनो, गले मिलना। नहीं आज दिवाली, आज दिवाली गले मिलना। आ गई है, क्या बात आ गई। चश्मा बंदू ये हुई ना चीज। शुक्रिया। राम 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 राम। चुगे बिहारी, तेरी जन्नत में यही मिलता है क्या? मैं नहीं पीता। मामा जी पीते तो हम भी नहीं है, लेकिन आज की रात तो हर गुना माफ है। अरे भांजे, तेरी मामी वैसी तपस्या करने अपने मैके चली गई, अगर उसको पता चल गया तो प्रायश्चित करने हिमालय में चली जाएगी। अच्छा भाई इनके लिए कोको कोला ले आओ। उमराव जान साफी गरी की कुछ तो शर्म करो। इस जवानी को नशे की जरूरत है। नशाए मैं मांगे की चीज, इसकी भी कोई हस्ती है?
जोशे जवानी क्या कहना, मस्ती अपनी मस्ती है। जान के अमान पाऊ तो एक बात पूछो, जब गुजर जाएगी तो जवानी को क्या जवाब दोगे? बिहारी, इस उमराव जान का भी जवाब नहीं, खाली उमराव रह गई है। जान तो चांद की सूरत में तुम्हारे छत पे चमक रही है। ये अचानक तुम्हें चांद की याद कैसे आ गई? हमें लौंडा बनाता है, दिल पर हाथ रखकर कह दे, क्या वो भूलने की चीज है? तो चांद को कब से जानता है? जब से होश संभाला और उन गलियों की खाक छानी। कमाल की पाकीज़ा सूरत है, आज तक गाने वालियों में ऐसा होश नजर से नहीं गुजरा। दिल की कैसी है? तुझे दिल से क्या वास्ता, सूरत से वास्ता रख। जाने मन हर तरह का नशा किया है, मगर उसकी आंखों से जो पी है वो आज तक नहीं उतरी। भरा और ला एक पत्र
अब तक सोई नहीं? किस्मत ने नींद कहा? इन बुझते हुए चिरागों को क्या देख रही हो? देख रही हूँ, चलते चलते एक दिन हम भी इन्हीं की तरफ उठ जाएंगे। ये तो जरा सी देर जलकर बुझ जाते हैं, मगर आप तो इस घर में दिन रात जला करती हैं। क्या देख रही हैं आप? इस दुनिया में एक हमदर्द तो निकला जिसने मेरे दिल की हालत कुछ तो समझी। कुछ ही क्यों, मैं तो आपको अच्छी तरह समझ गया हूं, लेकिन शायद आप मुझे नहीं समझी। मैंने तो जब पहली बार आपको देखा था तो मेरे दिल में उम्मीद की एक नई किरण तड़प उठी थी। क्या कहा था आपके दिल ने? कहा था, उदास मत हो, तुझे समझने वाला आ गया है। जान मोहन बाबू, आपने शराब पी है? पिलाई गई है। किसने पिलाई? बिहारी ने? किसी की शराबी शराबी आंखों ने। मोहन बाबू, आप खानदानी लड़के हैं, आपको ये शोभा नहीं देता। लो, बुरा मान गए, हम माफी मांगने को तैयार हैं। जाइए, माफ किया, लेकिन ख्याल रहे आइंदा ऐसी हरकत ना होने पाए। सतराम दास सिसोदिया आउट। अरे थैंक यू फादर इन-लॉ। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। तुम? हाँ। अरे ओ फूलवती, अरे ओ सत्यवती, जल्दी आओ। राम 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 राम। यहाँ क्यों आए हो जी? आज शुभ दिन है ना? मेरी तपस्या भंग करने आए हो? तुम्हारी तपस्या का फल देने आया हूँ, आज हम मूड में है। तुमने दारू पी है? हाँ, हमने दारू पी है। राम 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 हम तैयार है। अरे ओ चमचियो, लाओ गंगा जल और छिड़को हमारे ऊपर। राम 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 आज जो तुम कहोगी वो सब मानूंगा, आने दो मटका। राम 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 राम। अरे 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 इतना ठंडा पानी, अरे जल्दी ला दूसरा मटका। अरे देखो, मैंने जानबूझ कर नहीं पी थी, मेरे साथ धोखा हुआ है। अरे अरे चटोरियो, पानी मत डालो, मुझे नमूनिया हो जाएगा। शशि, हे भगवान, इनकी रक्षा करना। अरे जल्दी लाओ। लाती हूँ, जरा आग तो सुलगे। मिर्ची का डिब्बा कहाँ है? मिठाई वाले डिब्बे के पास रखा है। अरे आग, मिर्ची, ये सब किस लिए? तुम्हें धुनी देने के लिए। राम राम। धुनी? अरे बाप रे, हे भगवान, इनकी रक्षा करना। अरे मिर्ची, अरे 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 खोपड़ी की नसों का अच्छी तरह खोल लेंगे। अरे नसे तो क्या? खोपड़ी की छाती। उड़ जा। अरे सलाके जल्दी लाओ। सलाके? तुम्हारी ज़बान जलाकर शुद्ध करना। अरे तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या मुँह देख रही है? जा पिछवाड़े से जाके एक लोटा भर गौमूत्र ले आ। गौमूत्र? हाँ हाँ, ताकि तुम्हारा अंदर बाहर से शुद्ध हो जाए। नहीं नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, कहीं मेरे पति ना बिगड़ जाए। तो उत्तम संतान का क्या होगा?
भगवान, अब मैं क्या करूं? चिंता ना करो सौभाग्यवती, चलो अपने घर चल कर रहो। तुम अपने व्रत का पालन करना और हम तुम्हारे व्रत की भी रक्षा करेंगे और तुम्हारे पति को भी नहीं बिगड़ने देंगे। क्यों बहन सत्यवती? हाँ बहन फूलवती। राम 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 राम। शादी में न जाओ, यहां न जाओ, वहां न जाओ, कहीं न जाओ, उठ जाओ, बैठ जाओ, ले जाओ। ए ढीठ, चलो शादी पे चलते हैं। चल तुम रो रही हो? नहीं मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं शादी में भी नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं बैठता हूं, यहीं बैठता हूं, सो जाता हूं। नाराज हो गए क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों नाराज होऊंगा? तुम जाओ, जाकर पढ़ो, पढ़ो, जाकर पढ़ो। आपने शकुंतला की कहानी पढ़ी है? हमने कोई शकुंतला नहीं पढ़ी, कोई दूसरे नहीं पढ़ा, हम किसी को नहीं जानते। नाटक कवि लिख गए कालिदास, ये नाटक कवि लिख गए कालिदास, कहीं पे तपोवन की भूमि के पास, किसी मृग का पीछा जो करते हुए तकी सुंदरी एक दुष्यंत ने, शिकारी का मन हो गया खुद शिकार, उसे भा गई उस चमन की बहार। अप्सरा उसका था नाम शकुंतला, शकुंतला शकुंतला, इकली थी वो जो चटक गई भंवरे के संग भटक गई, प्रीतम को मन में बसा लिया, गंधर्व दहन चालिया, जब सेज सज गई प्रीत से, जब सेज सज गई प्रीत से, मन ने कहा मन मीत से, मुझे छोड़ तुम न जाओगे, मुझे छोड़ तुम न जाओगे, ओ रसिया मन बसिया पिया लेके दिया, मुझे छोड़ तुम न जाओगे, सगरी नगरी के तुम हो राजन, मन की रानी के वो गीत गाते हुए राजा वापस नगरिया को जाते हुए, एक अंगूठी निशानी उसे दे गया प्रेम की एक कहानी।
भागते वक्त भी सोई रहती थी वो, सैया के ध्यान में खोई रहती थी वो, खोई रहती थी वो। एक दिन द्वार पे आया एक महर्षि, कोई है कोई है, उसने आवाज दी, प्यार की हाय किस्मत है कितनी खराब, जब मिला ना अतिथि को कोई जवाब, दे दिया दे दिया उसने निर्दोष को ये श्राप। जा तू खोई है जिसके लिए इस तरह, भूल जाए तुझे इस तरह जिस तरह, भूल जाती है सुबह गई रात को, भूल जाता है पागल कही बात को। विजय से नहीं कर सकता, विजय बाबू, विजय बाबू, विजय बाबू, विजय बाबू। छोटे बाबू आप अकेले आ गए? हाँ हाँ रंगा, बात यह है अचानक मेरे थोड़े में बहुत दर्द होने लगा, तू जा मैं आराम करूँगा। अच्छा मोहन बाबू। कौन? मैं हूँ जान। ये एकाएक आपकी तबीयत को क्या हो गया है? सर में दर्द है, जैसे फटा जा रहा हूँ। बुखार तो नहीं है, लाइए सर दबा दो। आप तकलीफ क्यों कीजिएगा? इसमें शर्माने की क्या बात है? सुना है इस उम्र में शादी न की जाए तो सर में दर्द रहता ही है। क्या करूं, कोई लड़की पसंद ही नहीं आई। अब आप इतने खूबसूरत थोड़े ही हैं कि आपको कोई लड़की पसंद ही ना आए। आप कितनी अच्छी बातें करती हैं, कितनी अच्छी हैं आप। आपसे एक बार मिल लेने के बाद कोई इंसान आपको भूल नहीं सकता। मोहन बाबू, जब मैं आपके दिल में इतना घर कर चुकी हूं तो आज मैं अपने दिल की बात कह ही दूं। आप मेरी कसम खाइए, हमेशा मेरा साथ देंगे। आपकी कसम कहिए ना। आपने शकुंतला की कहानी पढ़ी है? क्यों, मुझे डर लगता है कहीं मेरा भी वही हश्र ना हो जो बेचारी शकुंतला का हुआ था जब दुष्यंत ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। सब राजा दुष्यंत थोड़े ही होते हैं। लेकिन इंसानी फितरत तो आज भी वही है। आपने शायद मोहन को नहीं पहचाना, मैं इंसानी फितरत को बदल दूंगा, मैं आपके लिए हर तूफान का मुकाबला करूंगा।
आपको भरोसा नहीं है मुझ पर? भरोसा है, इसलिए तो आपसे कहने की हिम्मत कर रही हूँ कि मैं आपके विजय भैया के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। जान, कहाँ हो तुम? माफ कीजिएगा। हाँ हाँ, कल रात को घर आ गया था, बस अचानक गायब हो गया। अच्छा, मालिक मालिक, मोहन बाबू की मेज पर यह चिट्ठी पड़ी हुई थी। चिट्ठी? हाँ। क्या लिखा है पिताजी? मेरे दोस्त का तार आया था, मुझे कुछ जरूरी काम से बुलाया है, इसलिए पहली ट्रेन से वापस जा रहा हूँ। आपका मोहन। ऐसा भी क्या जरूरी काम था जो बगैर बताए चला गया? हाँ, सबको परेशान किया। क्या वो मुझे तलाक दे रहे हैं? जी हाँ, ये रही तलाकनामे की कॉपी जो कोर्ट में आपके शौहर की तरफ से दाखिल की गई है। मैं उनका वकील हूँ, कानून की जुबान में। हाँ तो शशि बाला, क्या यह सच है कि आपने इन दोनों की मदद से आधी रात को अपने शौहर पर ठंडा ठंडा पानी डाला, लाल लाल मिर्चों की धुनी दी और फिर गरम गरम से लाखों से जुबान जलाने की कोशिश की? जानती हो तुम्हारी ये बेजा हरकत अंडर सेक्शन अंडर दफा क्रिमिनल एक्ट, यस, अंडर इंडियन पिनल कोड, तादीरात ए हिंद, कानून की जुबान में। बहन सत्यवती। हाँ बहन फूलवती, धर्म युद्ध शुरू करो। यू वांट टू फाइट? कम ऑन, कम। नो मिस्टर जॉनसन, हम वकील है, अदालत की बजाय हवालात में पहुंच जाएगा। कानून को हाथ में ना लो, चलो भागो, कानून की जुबान में भागो। आओ आओ आओ, मर गया। यू आओ, मैं तुम्हें दरवाजे के बाहर खड़ा है। बड़े आए थे हमें कानून सिखाने के लिए। अब क्या होगा, वो तो मुझे तलाक दे रहे हैं। चिंता ना करो सौभाग्यवती, ये उनकी नई चाल है। इतना भी नहीं समझती, अगर ये सरकारी आदमी होते इस तरह से भाग जाते। लेकिन मुझे तो डर लग रहा है। रो नहीं, रो नहीं, चलो तुम अपने यज्ञ में मगन रहो, अब सब कुछ समझेंगे। चलो रोते नहीं, चलो चलो चलो। विजय बाबू उठो, विजय बाबू। हाँ। विजय बाबू उठो, विजय बाबू, बिहारी राधा को मम्मी भगा कर ले जा रहा है। सुना नहीं तुमने, घर में भी कोई नहीं, वो बिहारी के साथ भाग रही है। विजय बाबू। रुक जा राधा, तुम इस घर से निकलकर कहीं की नहीं रहोगी। तुम बिहारी को नहीं जानती, वो गुंडा है, बदमाश है, तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगा। तुम कौन होती हो ये सब कहने वाली? राधा, मैं तुम्हारा और इस घर का भला चाहती हूँ। इस घर की इज्जत को मिट्टी में मिलने नहीं दूंगी। दूसरों की इज्जत के रखवाले वो होते हैं जिनकी अपनी कोई इज्जत होती है। छोड़ दो मुझे। राधा, मैं जान दे दूंगी लेकिन तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं जान नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। छोड़ दे राधा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। बहुत देर करनी तुम।
ए पागल जा अपने कमरे में वरना सर तोड़ दूंगा तेरा। रात के यहाँ क्यों आए थे बताओ वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। जी वो मैं बोलो। मैं चांद से मिलने आया था ठाकुर साहब। मुझसे? ये झूठा है ठाकुर साहब। बिहारी झूठ बोला तो अच्छा नहीं होगा। ठाकुर साहब मुझे चांद के मकान पर पहले भी देख चुके हैं, यहाँ भी वो मुझे अक्सर बुलाया करती थी। आज हम दोनों पर विजय की नजर इत्तेफाक से पड़ गई तो ये सरासर तोहमत है। मैं निर्दोष हूँ ठाकुर साहब। नहीं ठाकुर साहब मैं कभी झूठ नहीं बोलता। चले जाओ। आप इसकी बातों का यकीन न कीजिए ठाकुर साहब। आप तो जानते हैं ये इंसान नहीं, इंसान के भेष में शैतान है। खामोश। वो ठाकुर जिसे खानदान पर आज तक कोई उंगली नहीं उठा सका, आज उसकी इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी। नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे आपकी इज्जत का पूरा पूरा ख्याल है। यकीन कीजिए मैंने बिहारी को यहाँ नहीं बुलाया था, वो मुझसे मिलने नहीं आया था। तो बता फिर किससे मिलने आया था? जी बताते क्यों नहीं? आपको अपनी आबरू का वास्ता, ये ना पूछिए ठाकुर साहब, ये ना पूछिए। घर में छिप छिप कर पाप करती है और बड़ी सती सावित्री बनती है। माती खबरदार तू मुझे मार। अगर मेरी ऐसी बेटी होती तो मैं उसका गला खोल कर मार डालती। मार डालो अच्छा है, अपने हाथों से अपनी बेटी का गला खोल दो। मार दो मेरी जान को तुम सब। जान रो मत जान, ये सब मिलकर तुझे मार डालेंगे। चल ऊपर चलते हैं। चल नहीं चलेगी। अच्छा रो मर यहाँ रो। पिताजी आज आपको फैसला करना ही पड़ेगा। इस घर में या तो चांद रहेगी या मेरे बच्चे। चलो मां। किशोर बहू, किशोर से कहो वक्त का इंतजार करे, ऐसे वक्त पे मेरा इम्तिहान न ले। गंगा तेरी बीबी जी कहाँ है? पूजा वाले कमरे में। अच्छा उनसे जाके कहे उनसे कोई मिलने आया है। जल्दी करो महेश डार्लिंग। कौन हो जी तुम? उन्हें डार्लिंग कहने वाली? हम उसका फ्यूचर वाइफ और वो हमारा फ्यूचर हस्बैंड। क्या कहा? फ्यूचर हस्बैंड? यस। यू नेटिव कौन है तुम?
राधा, आज रात के 12 बजे के बाद घर के जेवर लेकर बुलंदे पर मिलो। हम लोग बंबई जा रहे हैं। अगर नहीं मिलोगी तो तुम्हारा खत अखबार में छपवा दिया जाएगा जो तुमने मुझे इस सिलसिले में लिखा था। रो मत राधा, ये खत मेरे पास रहने दो, मैं बिहारी से निपट लूंगी। तुम पहले ही मेरे कारण बदनाम हो चुकी हो, मैं तुम्हें और जलील नहीं होने दूंगी। मेरी बात छोड़ो, तुम शरीफ घराने की हो, अगर तुम्हारी जरा भी बदनामी हुई तो मेरे लिए मर जाने की बात होगी। नहीं, मैं खुद जान दे दूंगी, अब इसके सिवा कोई चारा नहीं है। ऐसे ना कहो। मुझे मत रोको, मुझे मत रोको। अगर मेरी जगह लक्ष्मी भाभी होती तो क्या वो तुम्हें इस हाल में छोड़ देती, तुम्हें मर जाने देती? राधा, क्या तुम मुझे यह थोड़ी देर के लिए भी नहीं दे सकती? भाभी, क्या तुमने मुझे भाभी कहा? भाभी, तुम्हारी कसम, ये एक लफ्ज काफी है चांद दे देने के लिए। राधा, जवाब क्यों नहीं देती? जेवर लाई हो? बेहद रुपया तो चलती फिरती छाव है, एक दिन तुझे भगवान को भी मुंह दिखाना पड़ेगा। अच्छा तो तुम हो, अंधेरे में क्यों खड़ी हो, रोशनी में आओ, जरा हम भी तो देखें चांद सा मुखड़ा। अरे बहुत दिनों से बात करने को तरस रहे हैं। क्यों तो उस मासूम के पीछे पड़ा है? तुझे भगवान का वास्ता, उस पर रहम कर, कहीं वो घबरा कर अपनी जान ना दे दे। और हम जो बरसों से तुम पर जान दे रहे हैं। बिहारी। बिहारी नहीं, तुम्हारा दास। अगर आज सेवा का मौका दे दो तो ये वादा रहा कि फिर राधा से कोई वास्ता न रखूं। देख बिहारी, मैं तेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दूंगी। पहले तो मुझे वो खत दे दे जो राधा ने तुझे लिखा था। हो ना खानदानी, इस बात में भी सौदा कर रही? खैर, सौदा पक्का रहा। लो ये खत हाजिर। अरे खत क्या चीज है, जान मांगी होती वो भी दे देता, शायद इसी रात के लिए जी रहा था। बदमाश गुंडा तू, खूने है खूने। हाँ चलो, Yeah!
खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी, खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी, बेवफा ही सही, बेवफा ही सही। ये तूने क्या किया सपना? मौत तो मैंने अपने लिए मांगी थी। विजय पापा आप ठीक हो गए, विजय पापा आप ठीक हो गए। ठाकुर साहब मौसी, मौसी, ठाकुर साहब, किशोर बाबू, विजय बाबू ठीक हो गए, किशोर बाबू ठीक हो गए, मां चाहिए, मां चाहिए, ठीक हो गए, ठीक हो गए, विजय भैया, विजय ऊपर ले आइए। भाभी, लक्ष्मी भाभी, विजय बाबू ठीक हो गए, विजय बाबू, भाभी ये लड़की कौन है? भाभी मुझे नहीं पहचानते। देखा है? मैं चांद हूँ, चांद। भाभी, भाभी, आप भी चांद, चांद, चांद। हाँ, ठीक है, ठीक है। चांद ऊपर जाओ। हाँ, चांद ऊपर जाओ। जाओ ऊपर। चांद। चलो बच्चे। हेलो, यस इंस्पेक्टर सहगल स्पीकिंग। क्या बिहारी का खून? ठाकुर साहब की हवेली के पास पागल ने छत से गिरा दिया। मैं अभी आया। योर ऑनर, काबिल डॉक्टर मिस्टर सिन्हा और दूसरे गवाहों के बयान से साफ जाहिर है कि विजय सपना के हादसे के बाद क्यों कर पागल हुआ और बिहारी के हादसे के बाद किस तरह ठीक हो गया। योर ऑनर, और कोई चश्मदीद गवाह न होने की सूरत में हमें विजय की अटेंडेंट चांद का बयान मानना ही पड़ेगा कि बिहारी किस तरह डर कर भागा, उसका पैर फिसल गया और नीचे गिरकर हलाक हो गया। ये सिर्फ एक हादसा है, एक एक्सीडेंट। इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि विजय को बाइज्जत रिहा किया जाए। योर ऑनर, ये मोहब्बत की एक खूबसूरत दास्तान है। चांद मुल्ज़िम की शायरी की पहले इसे दीवानी थी। जब उसे करीब से मिलने जुलने का मौका मिला तो वो मुल्ज़िम से गहरी मोहब्बत करने लगी। इत्तफाक से चांद का पुराना आशिक बिहारी, जो मुल्ज़िम का पुराना रकीब भी था, करीबी के मकान में रहता था, अब चांद उससे भी छुप छुप के मोहब्बत करने लगी। काइंडली नोट योर ऑनर, मेरे मुजिस वकील एक तरफ तो यह फरमा रहे हैं कि चांद विजय से गहरी मोहब्बत करने लगे और दूसरी तरफ ये कि चांद बिहारी से छुप छुप कर मिलने लगे। शायद इन्होंने किसी अफसाने में पढ़ा होगा। योर ऑनर, ये अफसाना नहीं, हकीकत है। क्योंकि चांद वो औरत नहीं जो किसी एक की मोहब्बत का सहारा लेकर जी सके। चांद हीरा भाई की बेटी है, जो एक खानदानी तवाइफ थी। और ये पागल जो किसी तरह न रहता था, ठाकुर साहब ने इसे ये खूबसूरत सा खिलौना ला कर दे दिया और ये दिन रात इस खिलौने से खेल लिया। योर ऑनर, इस शर्मनाक और गरीबी हरकत के जिम्मेदार सिर्फ ठाकुर नहीं, घर का एक एक फर्द है। अपनी गरज के लिए समाज के तकाजों को ठुकरा दिया गया और छत के एक तरफ बिहारी था, दूसरी तरफ मुल्ज़िम और बीच में ये पुरफरेब नकासा, और इस तरह एक इज्जतदार ठाकुर की छत एक तवायफ के कोठे में बदल दी गई। Stop it! Stop it. Please stop it. मुझे और जलील न कीजिए।
मोहब्बत से महरूम किया गया पागल होने के लिए। अच्छा हुआ तो अपने खानदान के माथे पर कलंक लगाने के लिए। यार ऑनर, हो सकता है बिहारी का खून मैंने ही किया हो। मुझे सजा दीजिए यार ऑनर, मुझे सजा दीजिए, मुझे सजा दीजिए। योर ऑनर, वकील सरकार ने मेरे मुवक्किल की दिमागी कमजोरी का फायदा उठाकर उसको इतना जज्बाती बना दिया है कि मुझे डर है वो अपना दिमागी तवाजन फिर न खो बैठे। इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि आज ये केस एडजॉर्न किया जाए। केस एडजॉर्न। तमाम गवाहों को पेश नजर रखते हुए और फरीकैन के काबिल वकीलों की बहस सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस तगासा मुल्ज़िम को कातिल साबित नहीं कर सका। इसलिए विजय को शुबा का फायदा देते हुए आज हमारी अदालत से बाइज्जत बरी किया जाता है। मुबारक हो बेटे। तुम कौन सा चाहिए? ये किशोर जी, ये लो 10,000 रुपए, चांद को दे दो और उसे वापस भेज दो। ठीक, चलो भैया मुझे दे दो, मैं ले आता। मुझे अंदर आने की इजाजत है हुजूर? जी आइए। शुक्रिया। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेगा? जी नहीं। जब मैं पागल था तब आपका इतना ही अदब करता था या कुछ बेअदबियां और गुस्ताखियां भी हुई हैं? बैठे। मेरा मतलब है मैं अपनी बदतमीजियों की माफी मांगूं और आपके एहसानों का शुक्रिया अदा करूं। एहसान? जी हाँ, भाभी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वाकई इस अनमोल जज्बे की कोई कीमत नहीं, कोई बदला नहीं। बहरहाल आपकी सेवा में एक छोटी सी भेंट है, इसे कबूल कीजिए। इसके अलावा मैं वादा करता हूं आपको कोई भी तकलीफ हो मुझे जरूर याद कर लीजिएगा। क्या देख रही हैं आप? विजय बाबू, क्या आपको पहले की कोई बात याद नहीं रही? याद दिलाइए, शायद याद आ जाए। अच्छा ये बताइए, जब आपने मुझे पहली बार देखा उस वक्त मैं क्या कर रहा था? आप इसी जगह एक झूठ मूठ का मुशायरा कर रहे थे। कभी मीर तकी मीर बन जाते और कभी मिर्जा गालिब। मैं इस खिड़की से छुपकर आपको देख रही थी। जब आप अपनी गजल पढ़ने उठे तो मैं हंस पड़ी। आपने खुलकर मेरी तरफ देखा, मैं घबरा कर अपने कमरे में भाग गई, बत्ती बुझाकर लेट गई। फिर क्या हुआ? फिर आपकी आवाज आई, वो है बस में इतना तुम्हें ने देखा और उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। मुझे बाप क्या था कहना आपको? जी नहीं, ये तो मेरा फेवरेट शेर है। और बताइए। जी Thank you.
पहचानते हैं आप? दुपट्टे की माला आप ही ने बनाई थी। एक दिन आपने मेरा दुपट्टा छीन लिया था, इसकी माला बनाकर मेरे गले में डाली और मुझे अपनी बीवी समझने लगे। विजय बाबू, जरा दिमाग पर जोर दीजिए, सोचने की कोशिश कीजिए, कुछ याद आ रहा है आपको? मुझे अफसोस है, मैं शर्मिंदा हूं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। क्या बात है भाभी? बात क्या है, मुझे भी तो कुछ बताइए। क्या आप रो रही है मां? भाभी बगैर कुछ बताए चली गई। ये सरासर तोहमत है, उसकी ये वचन। ये कहने की उसे हिम्मत कैसी हुई? और तू चुपचाप क्यों चली आई? उसकी जुबान खींच ली होगी। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था, आज उसने अपना बाजारी रंग दिखाई दिया। मैंने पहले ही कहा था ऐसी औरतें जहर होती हैं, जहर। लेकिन मुझे सुनता कौन है? और कर लीजिए तजुर्बा। मुझे क्या मालूम था कि वो मेरी इज्जत से इस तरह खेलेगी। दरअसल बेटे की मोहब्बत ने मुझे अंधा बना दिया। इस घर की बहू बनने के लिए उसने ये स्वांग रचाया है। जिसे इस घराने का खून कह रही है वो बिहारी के पाप की निशानी है। ये झूठ है, भगवान की सगन की झूठ है। ये आप ही के घराने का खून है जो शराबत में पनाह लेने के लिए तड़प रहा है। विजय बाबू, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती। किशोर बाबू, मुझ पर नहीं तो इस बात का करता रहता। किशोर बाबू, पिताजी, किशोर बाबू छोड़ दीजिए, किशोर बाबू छोड़ दीजिए, छोड़ दो इसे। एक बेसहारा लड़की इस तरह घर के बाहर नहीं निकाली जा सकती। विजय, तू नहीं जानता ये किस चाल चलन की लड़की है। मैं सिर्फ ये जानता हूं इसने मुझे एक नई जिंदगी दी है और अब ये मां बनने वाली। और ये बच्चा तेरा नहीं बिहारी का है। हम लोगों ने खुद इसे बिहारी के साथ पकड़ा था। क्या तू किसी और का कलंक अपने माथे पर लगाना चाहता है? अगर ये कलंक किसी और का भी है तो आपके चरणों की सौगंध पिताजी, मैं इस मासूम कलंक को अपने जिगर का टुकड़ा बनाने को तैयार हूं। किशोर, मुंह क्या देख रहा? निकाल दे इस जलील लड़की को। भैया, बच्चा नहीं जाए। नहीं हटूंगा भैया, हटता ही पड़ेगा।
ये क्या शराफत है किशोर भैया, एक बेसहारा और मजबूर लड़की के साथ इस तरह बर्ताव किया जाता है? आ गया हमदर्दी करने? अरे नालायक, ये औरत नहीं औरत जात पे कलंक है, समाज और इंसानियत पर एक बदनुमा धब्बा है। आप कौन से खुशनुमा धब्बे हैं किशोर भैया, जरा अपने गरेबान में मुंह डालकर देखिए। मोहन क्या बकता है? मैं ठीक कहता हूँ पिताजी, अगर मामा जी ना होते तो इतनी बड़ी दुकान रोजी के धर्म खाते में चली गई होती, फिर खाली दुकान के धब्बे ही धब्बे रह गए होते। किशोर ये सब क्या कह रहा है? ये सब झूठा पिताजी, झूठा। हाँ ये चेक भी झूठा है, ये ब्लैंक काउंटर, ये चेक किसको दिए थे आपने? ये नेकलेस को पहचानते हैं? और इसके अलावा न जाने कितना रुपए रोजी के पीछे उड़ाया। पाई पाई का हिसाब है मेरे पास, देख ली इनकी शराबत पिताजी। और आज जनाब बड़े शरीफ बनकर एक बेसहारा मजबूर लड़की को समाज का कलंक और न जाने क्या क्या खिताब दे रहे हैं। बकवास बंद कर मोहन, किशोर मर्द है, ठाकुर। वाह पिताजी, आपने तो ठाकुरों की तारीख बदल डाली। हमने तो सुना है ठाकुर अपने पहचान करने वाले के लिए जान दे देना अपनी शान समझते हैं। नहीं विजय भैया, आजकल के ठाकुरों की बस यही शान रह गई है कि किसी मासूम लड़की को खिलौना बनाकर अपने घर ले आए और जब अपना काम निकल जाए तो उसे तोड़कर बाहर फेंक दे। अरे तुम दोनों की अकल मारी गई है क्या? ये नीच लड़की इस घर में रहेगी तो हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे? और तुमने ये भी सोचा है तुम्हारी जवान बहन राधा ब्याहने को बैठी, इसका क्या होगा? मां ये पूछूं, अगर चांद न होती तो राजा का क्या होता? सच सच बता, बिहारिया किससे मिलने आया करता था, किसे वह फिल्म का लालच देता था, कौन उसके साथ बंबई भागने वाली थी, जवाब दे। देख राजा देख, देख ये किसी मजलूम की जिंदगी का सवाल है। तू चुप क्यों है, बोलती क्यों नहीं? बोल मेरी बहन बोल। भैया मुझे माफ कर दो, ये सब मेरा दोष है, इन्होंने मुझे बचाया, सारी बदनामी अपने सर ली, मुझसे उठ तक नहीं की, ये औरत नहीं बेटी है मेरी। ये भगवान, ये कौन से कर्मों का फल है? माँ तुम कितनी भूली हो, जो इस नुमाइशी समाज की चमकती हुई रेती को बहता हुआ दरिया समझ रही हो। माँ, माँ का दिल तो प्यार का वो सागर है जो अपने सीने में हजारों तूफान समो लेता, इसे अपना बना लो माँ। ये तुम्हारे विजय की निशानी अपने शरीर में छुपाए हुए, इसने मुझे सब कुछ बता दिया था, इसे अपना बना लो माँ, इसे अपना बना लो माँ। अगर यह सब कुछ सच भी है फिर भी हम इसे कैसे अपना सकते हैं, जिसका यह भी नहीं पता कि इसकी रगों में किसका नापाक खून है। पिताजी कोई खून भगवान नापाक नहीं बनाते, उसे पाक या नापाक बनाता है सिर्फ इंसान। क्यों चाचा जी, सच है ना? बोलिए आप खामोश क्यों हैं? आप घबरा क्यों रहे हैं? वाह चाचा जी, आप दूसरों को इंसानियत और मोहब्बत का सबक देते थे और आज जब अपनी बारी आई तो उल्टी रामायण पढ़ने लगे। चाचा जी इंसानियत के नाते ना सही, शराफत के नाते ना सही, लेकिन मोहब्बत के नाते को तो याद कीजिए। सुना है जब अपने खून पर वक्त पड़ता है तो जानवर तक चीख उठते हैं, लेकिन आप तो इंसान है। बस कर मोहन, बस कर, बस कर मोहन। ठाकुर, ठाकुर जान मेरी बेटी है। तुम्हारी बेटी? हाँ ठाकुर, मरते वक्त हीरा भाई ने मुझे सब कुछ बता दिया था। जांच बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। वंडरफुल मोहन, वंडरफुल मोहन, अगर इस जमाने को तुझ जैसे इंसान मिल जाए तो ये धरती स्वर्ग बन जाए, तू तो हीरा है हीरा। नहीं भैया, मैं हीरा नहीं, मैं तो एक ऐसा पत्थर हूं जो अपनी ख्वाहिशात की रो में न जाने कहां से कहां बह गया होता, अगर ये देवी मुझे किनारा न दिखाती। भैया अपने खानदान में अगर वाकई कोई हीरा है तो सिर्फ लक्ष्मी भाभी, जिसके दिल की पवित्रता पर अब तक जमाने का कोई रंग न चढ़ सका। मोहन, चांद के आगे मेरी तारीफ करके मुझे शर्मिंदा ना कर। बहन जा, माताजी और पिताजी का आशीर्वाद ले ले, जा। मोहन, क्या अपने भैया को माफ नहीं करेगा? जीती हो बेटी, जीती हो।
ऐसी उठाई खाक की और दिल बना दिया, पागल को तुमने प्यार के काबिल बना दिया। भैया हमको दुआएं दो, तुम्हें कातिल बना दिया।